देवास जिले के खातेगांव में कल सफाई कर्मी के साथ जो अप्रिय घटना हुई थी उसे लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीरज चौरसिया ने सफाई कर्मी दरोगा और मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों को थाने बुलाकर समझाइश दी और सभी को साथ रहकर प्रशासन का सहयोग करने को कहा है, जिसमें सभी ने अपनी सहमति दी है और जामा मस्जिद के सेक्रेटरी ने सदर की गिरफ्तारी को लेकर अपना पक्ष रखा। आरोपी आदिल मानसिक रूप से ठीक नहीं है। आदिल ने कुछ दिनों पहले खातेगांव पुलिस पर भी हथियार उठाया था, जिसे थाने भी ले जाया गया था, पर मानसिक असंतुलन के कारण समझाइश देकर छोड़ दिया गया था, जिससे यह अप्रिय घटना हुई है। खातेगांव से सादिक खान की रिपोर्ट। हुई थी तो उसमें जो आरोपी है उनको जब राउंड अप किया गया तो आरोपियों ने ये बताया कि सदर ने जब लास्ट जुम्मे के दिन नमाज हुई थी उसके बाद लॉकडाउन के टाइम की बात है, जब लॉकडाउन जब स्टार्ट हुआ था तो लास्ट नमाज के बाद उन्होंने ऐसा कुछ मैसेज किया था कि जितने सफाई कर्मी और पुलिस कर्मचारी या सरकारी कर्मचारी हैं ये सब नमाज और नमाजियों के लिए जो है ना ठीक नहीं, उनको नमाज करने से रोकते हैं। तो ये बात इसके दिमाग में रह गई थी अभी के दिमाग में आदिल पिता था, तो ये इस बात दिमाग में थी। और कल उसको जब सुबह काम करने वाले लोग दिखे, कर्मचारी दिखे, तो उसने एक हमला कर दिया कुल्हाड़ी से, तो उसको हाथ में चोट आई। क्योंकि आपके अनुसार सर सदर के कहने पे ये हिंसक परिस्थिति निर्मित हुई थी, तो क्या इन पे NSA की कार्रवाई होगी? नहीं, मेरे कहे अनुसार नहीं, ये एक तो जो आरोपी हैं जी उन्होंने अपने स्टेटमेंट में ये बताया कि उन्होंने ऐसा कहा था इसलिए उसको ये करने का दिमाग में आया जी। तो उनके द्वारा मोटिवेटेड थे, उनकी चर्चा हुई पहले, तो इसलिए उन पर 120B की धारा भी लगाई गई है और उनकी भी गिरफ्तारी करके उनको जेल भेजा गया है। अभी उनको पुराना और रिकॉर्ड देखेंगे, यदि उनके रिकॉर्ड में ऐसी समुचित धारा वो दिखता है कि उनका कोई रिकॉर्ड है या उनके पहले के ऐसे काम है, तो फिर संबंधित जो भी आरोपी होंगे उनकी NSE या जिला बदल की समुचित कार्रवाई करेंगे, जो प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।